दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के यानी विज्ञान के, जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये इसका पार्ट छठा रहेगा। मैंने इसके 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। उन वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा इस टाइप का, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। देखिए अब मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पर आपको मैंने मैथ रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक में समझाया है, बहुत ही आसान और इजी रूम में। एक बार वीडियो अवश्य देखें। वीडियो देखने के लिए आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी का लर्निंग एप्स डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आप सर्च में उदय प्रकाश डालकर हमको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का एक तरीका ये भी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमको डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? आपके ऑप्शन है ए अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। तो दोस्तों ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर होता है? आपके ऑप्शन है आवृत्ति, तीव्रता, वेग, आयाम। तो दोस्तों ध्वनि का तत्व आवृत्ति से निर्भर होता है, आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि? आपके ऑप्शन है अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, बी उसकी आँख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, सी वे अति तीव्र ध्वनि तरंगों पैदा करते हैं तो उसका नियंत्रण करती हैं, डी कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। तो आंसर हो जाएगा आपका वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं और उसका नियंत्रण करती है, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? आपके ऑप्शन है कैरोटीन, इंसुलिन, एंजाइम, रिबोफ्लोविन। तो दोस्तों रिबोफ्लोविन मद है विटामिन का, आंसर हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, ये चर्म नहीं होगा ये चर्म हो जाएगा, ठीक है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, आंसर हो जाएगा विटामिन सी, आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? आपके ऑप्शन है सेब, आम, आंवला, दूध। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, आंसर हो जाएगा सी आपका, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है? आपके ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, बी एस्कॉर्बिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी है ऑक्सैलिक अम्ल। तो आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, आंसर हो जाएगा बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दांतों से खून का गिरना विटामिन सी की कमी के कारण होता है, आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है, वो है विटामिन डी, आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकालीन रूप से मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी उत्पन्न होता है, विटामिन ए नहीं होगा, विटामिन बी नहीं होगा, विटामिन सी नहीं होगा, विटामिन डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? आपके ऑप्शन है प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो दांतों में कैल्शियम होता है, आंसर हो जाएगा बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है?
तो दोस्तों हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय खर पतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो दोस्तों सागरीय खर पतवार ये आयोडीन का मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत है। आंसर हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आपके ऑप्शन है शैवाल, सेम, गेहूं, मूली। तो दोस्तों शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। आंसर हो जाएगा ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व 50% होता है। आंसर हो जाएगा आपका डी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आपके ऑप्शन है विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो दोस्तों पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आंसर हो जाएगा बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? आपके ऑप्शन है पनीर से, पालक से, मछली से, दूध से। तो दोस्तों मनुष्य लोहा पालक से प्राप्त करता है। आंसर हो जाएगा आपका बी, पालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? आपके ऑप्शन है केला, सेब, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां। तो सबसे अधिक आयरन हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें भरपूर लव तत्व तो पाया जाता है? आपके ऑप्शन है नारंगी, अंडे, हरी सब्जियां, दूध। आंसर हो जाएगा आपका सी, हरी सब्जियां। दोस्तों ये लव नहीं होगा, ये लह हो जाएगा। यानी क्वेश्चन ये था किसमें भरपूर लौह तत्व तो पाया जाता है? तो दोस्तों हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व तो पाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? आपके ऑप्शन है आयोडीन, कैल्शियम, लोहा, जस्ता। तो दोस्तों एनीमिया रोग लोहा की कमी से होता है। आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो दोस्तों विटामिन के रक्त का थक्का से है। आंसर हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है लखनऊ में, रांची में, हैदराबाद में, मैसूर में। तो दोस्तों केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है अग्नाशय, अमाशय, आंत, मस्तिष्क। आंसर हो जाएगा आपका आंत। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेजिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? आपके ऑप्शन है एंड अमीबा, अमीबा, फैगोट्रॉफिक, ट्रिपेनोसोमा। तो पेजिस रोग के लिए उत्तरदायी है एंट अमीबा। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आपके ऑप्शन है रेटिना के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, नेत्र गोलक के छोटा होने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंखों की दूर दृष्टि की बीमारी नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण होता है। आंसर हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा का क्या कारण है? आपके ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, फफूंद, शैवाल। तो हैजा जीवाणुओं के कारण होता है। आंसर हो जाएगा आपका ए, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? आपके ऑप्शन है सुजाक, मधुमेह, तपेदिक, एड्स। आंसर हो जाएगा एड्स। आंसर हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है? आपके ऑप्शन है नागपुर में, हैदराबाद में, लखनऊ में, मैसूर में। तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। आंसर हो जाएगा आपका सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? आपके ऑप्शन है जिंक, लौह, फ्लूओरीन, तांबा। आंसर हो जाएगा आपका फ्लूओरीन। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है रक्त समूह की जांच के लिए, आहार नली की एक्सरे के लिए, मस्तिष्क की एक्सरे के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। आंसर हो जाएगा बी आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? आपके ऑप्शन है टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, सीएटी स्कैन। आंसर हो जाएगा सीटी स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। आपके ऑप्शन है वसा की, हाइड्रोकार्बन की, पकाने के तेल की, निकोटीन की। आंसर हो जाएगा वसा की। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विशेषता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? आपके ऑप्शन है कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक। आंसर हो जाएगा आपका कॉपर। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? आपके ऑप्शन है इस्कीमिया, हाइपरमिया, हीमोस्टेसिस, हेमोराज। आंसर हो जाएगा आपका इस्कोमिया। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है? आपके ऑप्शन है खसरा के लिए, टीवी के लिए, कुष्ठ रोग के लिए, हैजा के लिए। तो बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीवी के लिए। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है? आपके ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन। आंसर हो जाएगा वसा। आंसर आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों में आंखों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, यह भी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन डी की, विटामिन ए की। तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से होता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? आपके ऑप्शन है फ्लू, टाइफाइड, हैजा, अमीबियासिस। तो आंसर हो जाएगा फ्लू। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में क्या नहीं होता है? आपके ऑप्शन है फास्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन। तो दूध में आयरन नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। तो दोस्तों, ये था 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के यानी विज्ञान के, जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। ये इसका पार्ट 6 था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।